छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, फ्लिपकार्ट से डिलीवरी देने सामान मंगाया और 45 लाख ठगे, कंपनी को कहा हमने माल सप्लाई कर दिया फिर खुद लेकर भागे, युवती समेत 5 अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ठगी का अनोखा मामला आया है। यहां एक कुरियर कंपनी से जुड़े लड़कों ने फ्लिपकार्ट से 45 लाख रुपए के मोबाइल, घड़ी, कैमरा और लैपटॉप मंगा लिए। उसके बाद उसकी डिलीवरी लेकर सारा सामान गाड़ी में भरकर फरार हो गए। डिलीवरी के बाद जब कुरियर कंपनी में पैसा नहीं पहुंचा तो संचालक ने इसकी शिकायत धमधा थाने में की। पुलिस ने अपराध दर्ज करने के 72 घंटे के अंदर 95% माल बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस मामले की जानकारी मिली उन्होंने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाए। जांच में पता चला कि जामुल थाना क्षेत्र निवासी अमर मंडल ने अपने दोस्त अरविंद के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वो लोग पहले भी कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम कर चुके हैं। इन लोगों ने अपने साथियों के मोबाइल नंबर के फर्जी नाम से दुकान का रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद उन्हीं पते पर 45 लाख का सामान मंगा लिया। जब पूरा माल फ्लिपकार्ट से आ गया तो डिलीवरी करने के लिए अमर निकला। इसके बाद उसने कुरियर कंपनी को मैसेज किया कि उसने 45 लाख रुपए की डिलीवरी कर दी है, रात में इतना कैश लेकर नहीं आएगा, कल जमा करेगा। कुरियर कंपनी ने उसकी बात का विश्वास कर लिया। इधर समय मिल जाने से वो लोग पूरा सामान लेकर राजनांदगांव पहुंचे और वहां खैरागढ़ पांडुका निवासी मोनिका मौर्य 19 साल के पुराना बस स्टैंड राजनांदगांव स्थित घर में सामान को छिपा दिया। पुलिस ने 95% माल जब्त कर मोनिका को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, साथ ही उसकी निशानदेही पर 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि वो लोग पहले भी अमर मंडल के साथ काम कर चुके हैं। अमर को फ्लिपकार्ट की डिलीवरी का सिस्टम पहले से पता था। उसने सबसे पहले फ्लिपकार्ट से टाइप वाली कुरियर कंपनी में नौकरी की थी। इसके बाद अलग अलग दोस्तों के नंबर और पैन कार्ड से फ्लिपकार्ट में सेलर आईडी जनरेट की। इसके बाद अलग अलग सेलर आईडी से 45 लाख का सामान कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से मंगा लिया। जब पूरा सामान एक ही पिन कोड में डिलीवरी के लिए दुर्ग पहुंचा, कुरियर कंपनी के संचालक ने माल डिलीवरी के लिए अमर को जिम्मेदारी दी। अमर ने 25 तारीख को डिलीवरी के लिए माल लिया, इसके बाद अपने एक दोस्त की कार को मंगाया। सारा सामान कार में रखकर राजनांदगांव अपनी दोस्त मोनिका के घर गया। वहां उसने सभी डिलीवरी को वहीं से बैठकर स्कैन किया और डिलीवर दिखाकर कुरियर कंपनी में मैसेज भेज दिया कि माल डिलीवर हो गया है, कैश उसके पास है, उसे वो कल जमा करेगा। आरोपियों ने फ्लिपकार्ट से कुल 112 सामानों का ऑर्डर किया था। इसमें 90 महंगे मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 3 कैमरा, 7 घड़ी और 1 जोड़ी जूता को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। वहीं अभी भी 20 शिपमेंट को जब्त नहीं किया जा सकता है।